हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो जेट आईसीएआर में पूछे जा सकते हैं। अभी कल जो जेट 2020 का एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 125, उनके अपने अभी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र अपवन के अध्ययन के लिए कौन से संकरण का उपयोग किया जाता है? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बेस्ड ऑन किस पे था? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट स्वतंत्र अपवन का जो मेंडेलियन नियम दिया था वो किस पे था? तो वो द्विसंकर संकरण पे था। द्विसंकर संकरण पे वो मेंडेल ने जो नियम दिया था वो द्विसंकर संकरण पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, निम्न में से त्रुटिपूर्ण जोड़े पेयरिंग का चयन कीजिए, यानी जो गलत है जोड़ा उसको चयन कीजिए। तो अपने देखते हैं स्टेनबर्ग-बावेरी, स्टेनबर्ग-बावेरी गुणसूत्र सिद्धांत दिया था, ये बात राइट है। स्टेनबर्ग-बावेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। वाल्टनबर्ग-बावेरी ने कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार के बारे में, ये बात रॉन्ग है। इसमें वाल्टनबर्ग-बावेरी ने कोशिका सिद्धांत कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का व्यवहार ये नहीं बताया था। टीजे मॉर्गन है वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, हेकिंग बार बॉडीज है उसने बार बॉडीज के बारे में बताया था, हेकिंग ने बार बॉडीज के बारे में बताया था। तो ये सेकंड ऑप्शन अपना रॉन्ग होता है, वाल्टर एम बावेरी ने कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का व्यवहार नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी किसे कहते हैं? जब एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है उसे ट्राइसोमी बोला जाता है, जैसे 2n+1 इसे ट्राइसोमी बोला जाता है। 2n+1 ट्राइसोमी इज 2n+1 को ट्राइसोमी बोला जाता है, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा स्रोत के रूप में उपलब्ध होता है, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश किसके लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। सनलाइट अवेलेबल इज एनर्जी सोर्स, द एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर सन एनर्जी है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, कौन सा प्रदूषक घातक है, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषण है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है वो घातक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो गैस है वो सबसे ज्यादा घातक गैस मानी जाती है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। सहपोषिता एक अंतःक्रिया है जिसमें सहपोषिता में क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है। कोई भी दो जीव है, दोनों यदि साथ साथ रहते हैं तो उन दोनों जीवों को इन दोनों से एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, सर्वाधिक ओपी किसका होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मैक्सिमम किसका होता है? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें होता है? हैलोफाइड बोरक के जो होते हैं प्लांट्स उनमें सर्वाधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फाउंड इन हैलोफाइट। माइकोराइजा एक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं, माइकोराइजा है वो किन दो सदस्यों के बीच का एक प्रतिनिधित्व संबंध दर्शाते हैं? तो कवक व उच्च पादपों की जड़ों, पादप की जड़ों और कवक के बीच के संबंध को माइकोराइजा बोला जाता है। माइकोराइजा फंगी एंड हायर प्लांट रूट, माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंगस एंड हायर प्लांट रूट के बीच की जो कड़ी होती है उसको माइकोराइजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, पारिस्थितिक निकेत है, पारिस्थितिक निकेत किसे बोला जाता है? तो प्रजातियों का समुदाय में शारीरिक स्थान कारण भूमिका निभाना पारिस्थितिक निकेत कहलाता है। इकोलॉजिकल निकेत इज फंक्शनल एडवाइजर ऑफ स्पीसीज,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पार्श्विक मूल परजीवी है? पैरासाइट पार्टिकल रूट पैरासाइट है, पार्श्विक मूल परजीवी कौन सा माना जाता है? तो चंदन की लकड़ी है उसको पार्श्विक मूल पैरासाइट माना जाता है, पार्टिकल रूट पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मोनेस्कस परप्यूरिस एक ईस्ट है जिसका उपयोग किसके व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है? मोनेस्कस परप्यूरिस यूज किसमें किया जाता है? तो इसका यूज है जो स्टेटिन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए किया जाता है, स्टेटिन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने इंग्लिश में देखते हैं इसमें स्टेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल के प्रकार, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों के प्रकार है, तो प्रोटीन में कौन से कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक है। सही विकल्प को चुनें जो ग्लूकोज से बने सम पॉलीसेकेराइड को दर्शाता है। ग्लूकोज से कौन कौन से पॉलीसेकेराइड बनते हैं उनका क्रम अपने को चुनता है, तो सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज बनते हैं, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, बीच पॉलीसिंथेसिस फॉर्मड बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, पॉलीसेकेराइड में प्रत्येक मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं, पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से मोनोसेकेराइड जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? एस्टर बंध के द्वारा वो जुड़े होते हैं, एस्टर बंध के द्वारा। व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड इन पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में एस्टर बॉन्ड होते हैं, एस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर, द्विबीजपत्री मूल के कोर एदा की सहायता से बनती है, कोर कैंबियम ऑफ डाइकोट रूट फॉर्मेड बाय डाइकोट रूट फॉर्मेड बाय कोर कैंबियम किससे बनती है? तो अपने द्वितीय वल्कुट कॉर्टेक्स से वो बनती है, द्वितीय वल्कुट से बनती है, कॉर्टेक्स से बनती है, जो द्विबीजपत्री पादपों में मूल के कोर एदा की सहायता से जो बनती है वो कॉर्टेक्स से बनती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, देखो इसमें प्रोपोगेशन की मेथड दी गई है, तो अपने बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की, प्याज। प्याज का प्रोपोगेशन सलकन से होता है, ये बात राइट है, प्याज का प्रोपोगेशन होता है वो सलकन से होता है, ब्लब से होता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन इज करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड कौन सा है? ओनियन होता है वो ब्लब से प्रोपोगेट होता है। नेक्स्ट, अदरक भूतारी सक्कर से नहीं होती है, क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया से नहीं होता, यीस्ट एलेगेन या जूस पोरियम से नहीं होता है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है, प्याज सलकन से प्रोपोगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भ्रूणकोष में गुणसूत्रों की संख्या, ये बोल रहा है कि यदि गुणसूत्रों की संख्या भ्रूणकोष में 36 है तो नर युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? नर युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इफ 36 क्रोमोसोम फॉर्म इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म देन फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स में कितने होंगे? 12 होंगे। 12 क्यों होंगे? क्यों कि भ्रूणकोष में एम्ब्रियो में 3n गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, पुष्पासन में किसके खाने योग्य होता है? देखो फूड का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो उसको देख लीजिए। पुष्पासन निम्न में से किसमें खाने योग्य भाग है? थैलेमस एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, कौन से फ्रूट का एडिबल पार्ट है? तो सेब और स्ट्रॉबेरी का जो खाया जाने वाला भाग है, एडिबल पार्ट है, वो पुष्पासन या अपने बात करें तो थैलेमस है। नेक्स्ट अपने स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपूर्णता निम्न में से किसमें देखी जाती है? बहुपूर्णता पॉलीएम्ब्रियोनी ऑब्जर्विंग, पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें देखी जाती है? बहुपूर्णता जो है वो किसमें देखी जाती है? तो बहुपूर्णता क्या होता है कि एक बीज से अपने बहुत सारे प्लांट्स का डेवलप होना, उसमें
कैपेसिटी होना बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप करने की, उसको बहुगुणता पॉलीएम्ब्रियोनिया, इसमें बहुत सारे पुरन पाए जाते हैं, उसको पॉलीएम्ब्रियोनिया बहुगुणता बोला जाता है, वो सिट्रस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसला मूल की वृद्धि होती है, जो मूसला मूल टैप रूट होती है, ग्रोथ टैप रूट्स, टैप रूट होती है, उसकी वृद्धि किसके कारण होती है, किसकी तरफ होती है, उसकी यदि अपने बात करते हैं तो गुरुत्व की तरफ होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की तरफ उसकी मूवमेंट होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 21 नंबर, पुष्प है, फ्लोर इज, फ्लोर क्या है, यदि अपने फ्लोर क्या है ये देखा जाए तो रूपांतरित परोह है, परोह यानी कि ऊपर का जो भाग है, मॉडिफाइड शूट, शूट है वो मॉडिफाइड होता है, उसको फ्लावर बोला जाता है। पुष्पों का अक्ष है, एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस, इनफ्लोरेसेंस का अक्ष है, यानी कि वो किससे जुड़ा रहता है, उसको यदि देखा जाए तो पुष्पावली वंश से वो जुड़ा रहता है, इसको पेडुनल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो NBARI, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंस इंसेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर के इंपोर्टेंस इंसेक्ट है वो, उसका ब्यूरो कहाँ पे स्थित है, तो इसका इंपोर्टेंट कृषि में कीट है जो इंपोर्टेंट, उनका ब्यूरो है वो बेंगलुरु में स्थित है, NBARI इन बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कीट नियंत्रण में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मर्दा जीवाणु है, तो जीवाणु कौन सा है कीट नियंत्रण में तो जो इस्तेमाल किया जाता है, वो है बेसिलस थुरिंजियंसिस, बीटल कीट है, उसको अपने कॉटन के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, मेनली कॉटन में किया जाता है उसको इस्तेमाल। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बैक्टीरिया इंसेक्ट कंट्रोल इज बेसिलस थुरिंजियंसिस है, उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, आईपीएम में प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण है, यूज ऑफ द रेसिस्टेंट वैरायटी इन द आईपीएम इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें यदि अपने प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें तो वो किस प्रकार की मैनेजमेंट होगा, तो वो कर्षण नियंत्रण होगा, कल्चरल कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, दाल वाली फसलों का मुख्य कीट है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ पल्सस क्रॉप इज, पल्सस क्रॉप का मेन इंसेक्ट है वो कौन सा है, तो हेलियोथिस, हेलियोथिस जो इंसेक्ट है वो दाल वाली फसलों का मेन इंसेक्ट है, पल्सस क्रॉप का इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है हेलियोथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि अपने बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सेक्स फेरोमोन्स कीटों में स्त्रावित होते हैं, सेक्स फेरोमोन होते हैं वो कीटों में स्त्रावित क्यों किया जाता है, तो वो एक कीट नियंत्रण की विधि है, मादा कीटों द्वारा वो सेक्स फेरोमोन स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, तो नर कीट को अट्रैक्शन करने के लिए सेक्स फेरोमोन मादा कीटों द्वारा, फीमेल्स इंसेक्ट द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जिससे नर कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोसिल का ग्रीन एरिया है, सिस्टोसिल का ग्रीन एरिया ये एक साइंटिफिक जूलॉजिकल नाम दिया गया है, सिस्टोसिल का ग्रीन एरिया इज, तो ये रेगिस्तानी टिड्डी का जूलॉजिकल नाम है, डेजर्ट लोकस्ट का ये जूलॉजिकल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक मधुमक्खी होती है, श्रमिक जो मधुमक्खी होती है, वर्कर मधुमक्खी होती है, क्वीन क्वीन भी होती है, वर्कर होती है, वो अलग अलग उनका कंडीशन होती है, तो अपने यदि बात करें श्रमिक मधुमक्खी, तो श्रमिक मधुमक्खी होती है वांछित मादा होती है, वांछित मादा स्टरलाइज फीमेल होती है। ग्रासहॉपर निम्न में से किस गण का सदस्य है, ग्रासहॉपर एक इंसेक्ट है वो किस गण का सदस्य है, तो वो आर्थ्रोपोडेरा गण का सदस्य है, आर्थ्रोपोडेरा, आर्थ्रोपोडेरा गण का सदस्य है। ग्रासहॉपर बिलोंग टू विच इंसेक्ट ऑर्डर, कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में आता है, आर्थ्रोपोडेरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, खेत के चारों ओर खाई किस कीट नियंत्रण किया जाता है, खेत के चारों ओर खाई को अपने खाई खोद देते हैं, इससे किस कीट का नियंत्रण किया जाता है, इससे बेसिक सी बात है कि खाई खोदेंगे जो रेंग के कीट जाता है उसका नियंत्रण होगा, तो अपने कातरा जो कीट है उसका नियंत्रण इससे किया जाता है, खाई खोद के इसका नियंत्रण किया जाता है।
digging of the trench around the field of the method of control of red hairy caterpillar का इसे control किया जाता है, कातरा का इसे control किया जाता है। cockroach में कितने श्वसन द्वार और कहां पे उपस्थित होते हैं? cockroach है उसकी संरचना में structure में पढ़ेंगे अपने कि कितने श्वसन द्वार होते हैं और वो कहां पर उपस्थित होते हैं। तो number of the spiracles in cockroach are, cockroach में यदि दो जोड़ी श्वसन द्वार होते हैं और आठ जोड़ी उदर में होते हैं, दो जोड़ी व आठ जोड़ी उदर में होते हैं। two pairs of thorax and eight pairs in abdomen, right? next question अपने देखते हैं, कैंचो में श्वसन अंग है, कैंचो में श्वसन अंग कौन सा है? कैंचो श्वसन किससे करता है? तो वो नम त्वचा से श्वसन करता है। अर्थवर्म रेस्पायर्स बाय, और अर्थवर्म रेस्पायरेशन किससे करता है? मॉस्ट स्किन से करता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है, नॉर्मल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है, बाइनरी के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मेंडल के टेस्ट संकरण क्या जानने के लिए किया जाता है? मेंडल ने टेस्ट संकरण है जो क्या जानने के लिए किया जाता है? व्हाई डिड मेंडल यूज द टेस्ट क्रॉस? मेंडल ने टेस्ट क्रॉस है वो क्यों किया? तो F1 जीनोटाइप को जानने के लिए, F1 जीनोटाइप को जानने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। F1 जीनोटाइप को जानने के लिए, to know or F1 जीनोटाइप, F1 किस प्रकार का जीनोटाइप मिलता है वो जानने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता से किस आधार पर भिन्न होती है? अपूर्ण प्रभाविता है इनकंप्लीट डोमिनेंस डिफरेंट टू बिटवीन डोमिनेंस डोमिनेंस ऑफ बेसिक ऑफ, अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता है जो वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है? तो जीनोटाइप अनुपात उनका अलग-अलग होता है, तो इससे अपने इनकंप्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं, 37 क्वेश्चन, स्वतंत्र अपयन के अध्ययन के लिए कौन से संकरण का उपयोग किया जाता है? स्वतंत्र अपयन इंडिपेंडेंस एसोसिएट बेस्ड ऑन, तो वो द्विसंकरण संकरण पर अपने उसको अध्ययन किया जाता है, संकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 38 नंबर क्वेश्चन, कोडोन असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कोडोन कोड करता है, कोडोन कोड करता है, कोडोन आर अनएमबिगस बिकॉज, क्यों होते हैं वो संदिग्ध? वो केवल एक अमीनो अम्ल पर कोड करता है, एक जो कोडोन है वो केवल एक ही अमीनो अम्ल पर कोड करता है, इट इज कोड वन अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर पर पर्स्ट बाय, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सीमाकारकों का किसने दिया? तो ब्लैकमैन, काले आदमी ने इसको दिया था, ब्लैकमैन, ठीक है, ब्लैकमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मूल दाब विकसित होता है, मूल दाब कब विकसित होता है? जब निष्क्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा मूल दाब होता है वो विकसित होता है। रूट प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय एंटी अब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, क्यों बढ़ा देते हैं, किस कारण से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं? तो एंजाइम कैन इंड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज दे, क्यों बढ़ा देते हैं वो? तो स्क्रीन ऊर्जा को कम करके वो रेट ऑफ एक्सपायरेशन को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू को कम करके रिड्यूस करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल है? अनिवार्य अमीनो अम्ल की यदि बात करें तो वैलिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों ही है जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है, ये तीनों ही अनिवार्य अमीनो अम्ल है। विच ऑफ द पॉजिटिव अमल यानी कि अनिवार्य अमीनो अम्ल आल, सभी ये है जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जो पूर्वावस्था फर्स्ट है, पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था है, इसको इंग्लिश में प्रोफेज फर्स्ट बोला जाता है, प्रोफेज फर्स्ट, इसको इंग्लिश में याद रखना, प्रोफेज फर्स्ट। बैसिलस थुरिंजियसिस बीटी जो है द्वारा उत्पन्न विष का क्या नाम है? तो उसका नाम बीटी विष है। बैसिलस थुरिंजियसिस जो जीवाणु है
उसके द्वारा बीटी विक्सिन बीटी डॉक्सिन क्या की प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, कीटों में उत्सर्जन होता है, कीटों में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? तो मेल्पी की नलिकाओं से, बिल्कुल राइट बात है, वसा उत्कों से, हाँ बिल्कुल राइट है, कुछ कीटों में वसा उत्कों से उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्रोसाइटिस व त्वचा से, कुछ नेफ्रोसाइटिस और त्वचा से उत्सर्जन करते हैं, और तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सभी में सभी के द्वारा उसमें कीटों में वो उत्सर्जन होता है। एक्सट्रैक्ट इन इंसेक्ट टेक्स प्लेस थ्रू मेल्पिकिन ट्यूब्स फैट बॉडीज क्यूटिकल्स, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक निम्न में से किस गण का मुख्य सदस्य है? दीमक कौन से गण का मुख्य सदस्य है? तो दीमक का गण है आइसोपटेरा। टर्माइट बिलोंग टू व्हिच ऑफ द इंसेक्ट ऑर्डर? आइसोपटेरा, आइसोपटेरा से बिलोंग करता है टर्माइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं एरोलर स्योंजी उत्कों में पाई जाती है? एरोलर स्योंजी उत्कों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं एरोलर स्योंजी उत्कों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, प्राकोष में लघु बीजाणु दाने की सबसे बाह्यक परत कौन सी होती है? तो बाह्य त्वचा इसमें सबसे बाहरी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF जिसमें 8 कोर पुटिका तथा तक वाले युग्मनज को स्त्री के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, क्या कहलाता है? जो IVF है जिसमें 8 कोर पुटिकाओं तक वाले युग्मनज है वो स्त्री में स्थानांतरित करते हैं, फीमेल्स में ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ZIFT बोला जाता है उसे। मेंडल ने टेस्ट संकरण क्या जानने के लिए किया था? मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया था वो F1 जीनोटाइप को जानने के लिए किया था। टेस्ट क्रॉस ऑफ हेल्पफुल ऑफ टू नॉन ऑल जीनोटाइप ऑफ F1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देते हैं, एपिकल्चर के निम्न में से कौन से उत्पाद को सौंदर्य प्रसाधन व पॉलिश में उपयोग किया जाता है? जो मधुमक्खी होती है उसका जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? प्रसाधन व पॉलिश में उपयोग किया जाता है, तो कौन से प्रोडक्ट का उसका उपयोग किया जाता है? तो मोम का उपयोग होता है सौंदर्य प्रसाधन व पॉलिश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरण हेतु जीन गन से छोड़े गए DNA युक्त सूक्ष्म कण बने होते हैं, तो सूक्ष्म कण वो जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वह है स्वर्ण व टंगस्टन के बने होते हैं, स्वर्ण व सोने व टंगस्टन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रकृति में सर्वाधिक होती है? कौन सी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, वो प्रकृति में नेचर में सर्वाधिक होती है? तो अपघटक होता है, जो डीकम्पोजर सर्वाधिक होता है। ये सूक्ष्म होते हैं परंतु इनकी संख्या की दृष्टि से इनको देखा जाए तो सबसे ज्यादा होते हैं डीकम्पोजर। कॉकरोच में हेप्टाइल गैसेस कितने उपस्थित होते हैं? तो यदि अपने कॉकरोच में हेप्टाइल गैसेस की बात करें तो वो 4 जोड़ी या 8 होते हैं, संख्या में 8 होते हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि है, अमीबा भोजन ग्रहण किस प्रकार से करती है? तो अंतर्वलन से करती है, और प्रीबीतकाशन से करती है, और परिवहन से करती है, मतलब उपरोक्त सभी इसका ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए की कौन सी संरचना हमारे ओर्क के समान होती है? केंचुए की कौन सी संरचना हमारे ओर्क के समान होती है? अपने किडनी, ह्यूमन किडनी के समान होती है। तो नेफ्रिडिया कॉकरोच में जो पाया जाता है, केंचुए में पाया जाता है, वो ह्यूमन किडनी के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपो एंजाइम के भाग होते हैं, एपो एंजाइम कौन से एंजाइम के भाग होते हैं? तो ए प्रोटीनों के भाग होते हैं, एपो एंजाइम होते हैं वो ए प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नहीं होते। कोशिका वृद्धि के समय डीएनए संश्लेषण होता है, कोशिका वृद्धि यानी कि कोशिका वृद्धि होती है उस टाइम डीएनए संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, G2 प्रावस्था जो होती है उसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस अकर इन G2 फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं,
प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? प्रकाश से अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है? तो इसके द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है वो प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र फर्स्ट द्वारा की जाती है। मनुष्य का तंत्र सूत्र है, मनुष्य का यदि तंत्र सूत्र की अपने बात करें तो वह है 21:23/22:13 अपॉन 22:13, ये अपॉन में होगा बटे में होगा, ठीक है, इसमें अपॉन होगा बीच में, अपॉन 21:23/22:13 होता है। मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है 21:23/22:13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी, इसको शॉर्ट में आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स की यदि अपने लाइफ बात करें कितने टाइम की होती है तो 120 दिन की उनकी लाइफ होती है, 120 days। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, संग्राहक नलिका का कार्य है, संग्राहक नलिका का क्या कार्य है? तो जल का भाग तक ये कार्य भी संग्राहक नलिका करती है, प्रसरणता बनाए रखना ये भी कार्य संग्राहक नलिका करती है, और पीएच का नियमन भी करती है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। फंक्शनल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इन द नेफ्रॉन्स, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नर में पाई जाने वाली संग्राहक नलिका ग्रंथियों को पहचानिए। नर में कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती है यदि अपने मेल की बात करें तो? शुक्राशय भी पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है, बल्बोयूट्रल ग्रंथि भी पाई जाती है, मतलब ऑल ऑफ दीज सभी ग्रंथियां जो होती है वो नर में मेल्स में पाई जाती है सहायक ग्रंथियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की एक प्रजाति के रूप में खोज करने के लिए किस से 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो पेनिसिलियम के मतलब खोज के लिए कौन से वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो एलेक्जेंड्रियम फ्लेमिंग को मिला था, मैन ये था, अर्नेस्ट चेन भी था, हार्वर्ड फ्लोरी भी था, मतलब उपरोक्त सभी वैज्ञानिकों को इसके लिए पेनिसिलियम की खोज के लिए प्रतिजैव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, परिसंचरण शब्द किसके द्वारा दिया गया? पारितंत्र इकोसिस्टम जो टर्म्स है वो किसके द्वारा दी गई? तो इकोसिस्टम टर्म्स है जो ईपी ओडम के द्वारा दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार जेड में पूछा जा सकता है, ईपी ओडम के द्वारा इकोसिस्टम वर्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का उत्सर्जी उत्पाद है, अमीबा जो उत्सर्जन करती है वो किस रूप में करती है, फॉर्मेशन क्या होती है इसका? एक्सट्रीम प्रोडक्शन ऑफ अमीबा, अमीबा का एक्सट्रीम प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन करती है, अमीबा अमोनिया का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, द्विपट अवस्था में दिखने वाली एक्स आकार की संरचना है, द्विपट एक्स-शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोटीन, हिंदी में मत देखना इसे, इंग्लिश में देखना, डिप्लोटीन है जो उसमें एक्स आकार की जो संरचना हमें दिखाई देती है कोशिका विभाजन के दौरान उसको क्या बोलते हैं? उसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यास्मेटा बोला जाता है, क्यास्मेटा, उसे क्यास्मेटा बोला जाता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे क्यास्मेटा बोला जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के वायु अवशोषण के एटीपी दौरान की कुल लब्धि कितनी है, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु उसका जो प्रोड्यूस है वो कितने एटीपी, हाउ मनी एटीपी प्रोड्यूस बाय वन ग्लूकोज के द्वारा कितने एटीपी अणु का प्राप्त होती है अपने को? तो 38 अपने को एटीपी प्राप्त होती है, 38 एटीपी अपने को वन ग्लूकोज अणु से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, सीरम रुधिर में से निम्न होता है, सीरम होता है वो क्या होता है? सीरम होता है वो रुधिर स्कंदन कारकों की अनुपस्थिति, यदि अपने रुधिर में से रुधिर स्कंदन कारक निकाल दें तो उसको सीरम बोला जाता है। विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करते हैं, कौन से विटामिन है जो आरबीसी को परिपक्वन के लिए प्रेरित करते हैं? तो विटामिन B12 है, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है, वो है जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोडोन असंदिग्ध होते हैं अर्थात एक कोडोन कोड करता है तो एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है इसलिए ये संदिग्ध होते हैं पहचानने में सहायता मिलती है एक ही कोड को कोड करते हैं निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रकृति में सर्वाधिक होती है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अपघटक होता है वो सर्वाधिक होता है डीकंपोजर सर्वाधिक होता है क्योंकि इनकी संख्या तो सबसे ज्यादा होती है परंतु ये सूक्ष्म मात्रा में होते हैं सूक्ष्म आकार में सूक्ष्म होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सफेद कोशिका में निम्नलिखित में से क्या शून्य होता है जो सफेद कोशिका ट्रगर सेल्स होती है उसमें कौन सी जो होती है वो शून्य होती है जीरो के बराबर होती है किसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो टीपी की वैल्यू जीरो होती है टीपी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कोशिका सिद्धांत रसारोहण को अच्छे से कौन सा सिद्धांत है जो कौन सा सिद्धांत है जो रसारोहण की सबसे अच्छे से व्याख्या करता है तो वाष्पोषण खिंचाव जो सिद्धांत है वो रसारोहण की अच्छे से व्याख्या कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं अप्रकाश अभिक्रिया में CO2 का ग्राही है अप्रकाश अभिक्रिया होती है CO2 एक्सेप्टरेंट डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 को कौन ग्रहण करता है तो RuBP जो होता है वो डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 को प्रथम ग्राही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में पांच कार्बन वाला यौगिक है पांच कार्बन कौन से यौगिक में पाए जाते हैं तो RuBP में पांच कार्बन पाए जाते हैं RuBP में पांच कार्बन पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 77 क्रेन्स सर्जरी की क्रेन्स एनाटॉमी फाउंड इन क्रेन्स एनाटॉमी किस में पाई जाती है क्रेन्स एनाटॉमी C4 पादपों में पाई जाती है C4 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के अभिकारक स्त्रीय फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी की कुल आवृत्ति है ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु से कितने अपने एटीपी प्राप्त होते हैं एक ग्लूकोज अणु से तो दो एटीपी अणु अपने को प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ध्यान देना दो एटीपी अणु अपने को प्राप्त होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं संरचना एवं कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है एनिमल टिश्यू डिवाइड इन द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के बेसिस पर एनिमल टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो चार भागों में फोर क्लास में डिवाइड किया गया है फोर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेज वे मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है ये कोशिकाएं जो होती है फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेज मोस्ट सेल्स फाउंड इन किसमें पाई जाती है ये सेल्स तो स्योंजी ऊतक होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में ये जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रेट में पूछा गया कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान के द्वारा गया स्लाइडेन व स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर लार्जेस्ट यूनिसेलुलर है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है एग ऑफ ओस्टियट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं निम्न युग्मों से सही मिलान कीजिए सही मिलान का चयन करना है आपने यदि अपने बात करें फर्स्ट ऑप्शन की चिकनी अंतःप्रद्योगिक जालिका लिपिड संश्लेषण चिकनी अंतःप्रद्योगिक जालिका होती है जो SER होती है वो स्मूथ ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड का संश्लेषण करती है ये बात ये सही है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं खुरदरी अंतःप्रद्योगिक जालिका ग्लाइकोलाइसिस संश्लेषण करती है नहीं खुरदरी अंतःप्रद्योगिक जालिका वसा अम्लों का ऑक्सीकरण करती है नहीं चिकनी अंतःप्रद्योगिक जालिका फास्फोलिपिड का ऑक्सीकरण करती है ये भी गलत है तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने आवरणीय लवक जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है आवरणीय लवक के लिए रिलेटेड कौन सा कथन है जो सत्य है वर्णक पाए जाते हैं आवरणीय लवक पर वर्णक पाए जाते हैं नहीं भोजन संग्रहित रहता है आवरणीय लवक में भोजन संग्रहित रहता है राइट है ये बात नेक्स्ट अपने ऑप्शन देखते हैं क्लोरोफिल पाए जाते हैं क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन देखते हैं सभी तो ये रॉन्ग है इसमें भोजन संग्रहण रहता है विच ऑफ द करेक्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के लिए स्टोर ऑफ फूड राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं निम्न में से कौन सा कोशिकांग
प्रोटीन के रूपांतरण तथा उनके गतिविधियों पर निर्यात से संबंधित है, तो कौन सा जो कोशिकांग है वो कोशिकांग प्रोटीन के रूपांतरण के लिए सहायक होता है, प्रोटीन के रूपांतरण के लिए अंतःपरिधीय जरिका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सहायक होती है इन सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ठीक है। तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सहायक होती है। दो क्रमिक अंग प्रावस्थों, दो यानी लगातार अंग प्रावस्थों के बीच की प्रावस्थों को क्या बोला जाता है, दो यदि लगातार अंग प्रावस्था होती है उनके बीच की अवस्था को अंतरावस्था बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है। ये जो कोशिका की अवस्थाएं हैं कोशिका सेल डिवीजन की वो इंग्लिश में याद करना, विच फेज अपीयर बिटवीन द टू अंग फेज, वो लगातार दो अंग फेज है उनके बीच में जो कोशिका की कौन सी अवस्था आती है, तो इंटरफेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, कार्बोक्सिलिकरण C3 को उत्प्रेरित करता है, C3 जो साइकिल है उसको कौन सा जो कारक है वो उत्प्रेरित करता है, तो RUBP कार्बोक्सिलेज है जो उत्प्रेरित करता है, RUBP ठीक है, कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, गलत जोड़ी को चुनी है, गलत जोड़ी निम्न में से कौन सी है उसको चुनना है अपने को, ऑक्सीजन वर्दी के लिए करता है, ये राइट ऑप्शन है, ऑक्सीजन वर्दी के लिए होता है, जिब्रेलिन जिब्रेला क्यूकोराई से बना होता है, ये भी राइट है, साइटोकाइनिन हेरिंग सुब्रानो डीएनए, ये भी राइट है, ए बी कार्य पुष्पन हार्मोन का नहीं है, ये रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट मेथड, ए बी फ्लोरिंग हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 89 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच लगभग होता है, तो मानव के मूत्र का पीएच थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6.5 पीएच होता है, द ह्यूमन यूरिन ऑफ 6.5 थोड़ा सा एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में अर्धसूत्री विभाजन सेकिंग कब तक पूर्ण नहीं होता है, मानव जो मादा है मियोसिस सेकंड या फिर ड्यूटो कब तक जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, तो निषेचन के तक वो पूर्ण नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम तक वो पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रिकूट जोड़े का चयन कीजिए, त्रिकूट जोड़े त्रुटिपूर्ण जोड़े का जो कथन गलत है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो त्रुटिपूर्ण जोड़ा इनमें से कौन सा है आपने पीछे बताया, वाल्टन एवं बावेरी कोशिका विभाजन के दौरान कौन सूत्र का व्यवहार इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंचुए में बाह्य निषेचन पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विभव विलय विभव और दाब विभव के बीच संबंध निम्न प्रकार से होता है, विलय विभव और दाब विभव के बीच में संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी होता है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, वातरंध्र मुख्यतः सम्मिलित होते हैं, वातरंध्र किस में होते हैं, तो वातरंध्र गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए वातरंध्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 95, ऑक्सीजन पृथक किया था, ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो पृथक किया था, अलग किया था, वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो FW वेंट द्वारा किया गया, FW वेंट, ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय ऑक्सीजन की खोज FW वेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में सही मिलान कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो चिकनी अंतःपरिधीय जालिका लिपिड का संश्लेषण नहीं करती है, सॉरी करती है, ये क्वेश्चन राइट है और ये ऑप्शन राइट है, बाकी सभी रॉन्ग है, ये पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, लिपिड सिंथेसिस सीआर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो गुणसूत्र को उसके आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है, चार भागों में, क्रोमोसोम डिवाइड इनटू द पार्ट्स ऑफ बेसियोल सेंट्रोमेयर के आधार पर चार भागों में फोर क्लास में डिवाइड किया गया है, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं, कौन कौन से कोशिकाएं हैं जिन पे डबल लेयर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस निम्न भी कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस किसमें उत्पन्न होता है? तो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में। आंतरिक जो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक झिल्ली में वो ईएसपी तंत्र उत्पन्न होता है। इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ईटीएस साइट इज फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की संजीव क्षमता होती है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? संजीव क्षमता होती है आईआरवी, इसको बोलते हैं फेफड़ों की संजीव क्षमता। ठीक है, ईआरवी प्लस टीवी माइनस आरवी होती है, जो फेफड़ों की संजीव क्षमता बोली जाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, तो पुरकेंद्रीय तंतु पाए जाते हैं, पुरकेंद्रीय तंतु कहां पर पाए जाते हैं? तो पुरकेंद्रीय तंतु नील्य में पाए जाते हैं, नील्य में। ठीक है, पुरकेंद्रीय फाइबर फाउंड इन वेंट्रिकल्स में पुरकेंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन होता है, निषेचन कहां होता है? तो तुम्बिका और संकीर्ण पथ के जोड़े पर होता है, तुम्बिका और संकीर्ण पथ के जोड़े पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पुला, इंग्लिश में याद कर लें थोड़ा इजी रहेगा। एम्पुला में जो फर्टिलाइजेशन होता है। केंचुए के वर्षाणु कौन से खंडों में के मध्य पाए जाते हैं? केंचुए में वर्षाणु होते हैं जो टेस्टिस होते हैं अर्थवर्म में, वो कौन से खंड में पाए जाते हैं? तो 10 और 11 में, 10 और 11 खंड होता है केंचुए का, उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, क्लाइटेलम का क्या कार्य है? क्लाइटेलम का कार्य की यदि बात करें तो कोकून निर्माण का कार्य है। क्लाइटेलम का निर्माण है कोकून निर्माण, कोकून फॉर्मेशन जो होता है। क्लाइटेलम फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो क्लाइटेलम का कार्य कोकून फॉर्मेशन होता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फंगी में क्लोरोफिल आर एब्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सजीवों का समूह जो आपस में समानता रखते हैं तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आपस में प्रजननशील होते हैं क्या कहलाते हैं? सजीव का वह कौन सा समूह होता है जो आपस में समानता रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उनको जाति बोला जाता है, जैसे मानव जाति, एनिमल्स, काऊ, बफेलोस, गोट, शीप, कैमल, ये होता है स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, वर्गीकरण की आधारभूत जो इकाई है, बेसिक यूनिट है जो क्लासिफिकेशन की, उसको क्या माना जाता है? तो बेसिक यूनिट है उसको जाति स्पीसीज माना जाता है, स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, ICBN का पूरा नाम है, ICBN stand for, ICBN का पूरा नाम की यदि अपने बात करते हैं तो International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature इसका कंप्लीट नाम है, ये राइट है, फुल फॉर्म याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच जगत वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है, पांच जगत वर्गीकरण में किसको सम्मिलित किया जाता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया, एनिमेलिया को सम्मिलित किया जाता है। इनको याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप जंतु को सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा सेकंड, कवक थर्ड और पादप फोर्थ और जंतु फिफ्थ, इन पांचों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आरएनए या डीएनए, दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, दोनों नहीं होते हैं और श्योर नहीं है कि आरएनए है या डीएनए, दोनों में से एक होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इज फाउंड आरएनए और डीएनए, वन न्यूक्लिक एसिड इन वायरस, दोनों में से एक न्यूक्लिक एसिड इसमें होगा। एनिलिडा होते हैं, एनिलिडा क्या होते हैं? तो उभयलिंगी होते हैं, मोनोसियस होते हैं, एनिलिडा मोनोसियस होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, केंचुए में रुधिर परिसंचरण खुले प्रकार का होता है या बंद प्रकार का होता है? तो केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है,
वो होता है क्लोज, बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, एकोशिकीय, तो कौन सी है? एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। अमीबा यूनिसेलुलर सेलुलर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देते हैं, मेलपी की नलिका उत्सर्जित संरचनाएं होती है। मेलपी के नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? तो स्तनधारियों में। मेलपी के नलिका के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यदि देखते हैं, खच्चर, खच्चर होता है किसके क्रोध से पैदा होता है? खच्चर किससे बनता है? तो घोड़ा व गधी के क्रोध से खच्चर बनता है, घोड़ा व गधी के क्रोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है? तो मलेरिया का। मादा एनाफिलीज मच्छर है जो मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, वायरस किससे मिलकर बने होते हैं? वायरस जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से वायरस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक C3 को प्रेरित करता है। ये पीछे रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो RUBP कार्बोक्सिलिकेज इसको प्रेरित करता है। कॉकरोच में श्वसन अंग है, कॉकरोच में श्वसन अंग कौन सा? कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसनिकाएं कोल द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास व खाने की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करता है? अपने को, मानव को कैसे पता चलता है कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है? उसकी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए कौन से मस्तिष्क का काम होता है? तो ये काम अगर मस्तिष्क का है, अगर मस्तिष्क के द्वारा अपने को पता चलता है भूख लगी है प्यास लगी है इस चीजों का, अगर मस्तिष्क के द्वारा पता चलता है। नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा होता है? नर में जो शुक्राणु जनन है, स्पोरमाइजेनाइसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, इन मेल रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा पता चलता है? तो FSH by LH है, उसके द्वारा अपने को पता चलता है। FSH by LH द्वारा, यानी इसका अपने आंसर होगा 1 and 2 दोनों। FSH by LH एंट्रिक भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मानव में कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो मानव में अस्थायी दांतों की यदि अपने बात करते हैं तो 20 अस्थायी मानव में दांत होते हैं, जो इनको अपने लोकल लैंग्वेज में दूधिया दांत बोलते हैं। मिल्की टीथ ऑफ ह्यूमन इज 20 होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, दूधिया दांत होते हैं, वो बचपन अवस्था में टूट जाते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। बकरी के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? बकरी के बच्चा देने की क्रिया कीटिंग कहलाती है, कीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने, अंतिम क्वेश्चन है, केंचुए से संबंधित गलत का चुनाव कीजिए। केंचुए से संबंधित क्या गलत है? क्लाइटेलम द्वारा उथिका का स्त्राव होता है, ये क्वेश्चन राइट है। इनमें पुपुरोता पाई जाती है, ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक नहीं होता, इसमें बाह्य निषेचन होता है केंचुए में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन इनमें होता है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल आप अपना एग्जाम अच्छे से देके आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।